हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स में। आज हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट किया है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे UPSC, स्टेट PSC एंड UPSC EPFO में ज़रूर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये UPSC एंड स्टेट PSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। इसके हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? जुलाई 1989 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1989 में। FATF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फ्रेंड्स चलिए इसकी समरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में G7 देशों के समूह के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? पेरिस में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? जी सेवन देशों के समूह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1989 में की गई थी। कहाँ की गई थी? पेरिस में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? कहाँ है? पेरिस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? पेरिस में है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF कैसा निकाय है? ये UPSC में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, FATF कैसा निकाय है फ्रेंड्स? कैसा निकाय है? एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय। FATF कैसा निकाय? एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC में और स्टेट PSC में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वर्तमान में FATF में कितने कुल सदस्य देश शामिल हैं? कितने कुल सदस्य देश हैं? 39 फ्रेंड्स। कितने हैं कुल सदस्य देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में? 39। चलिए समरी में पढ़ते हैं इसकी, जिसमें 39 देशों में से 37 देश इसके सदस्य देश हैं और दो क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसके है फ्रेंड्स। टोटल देश कितने हैं? 39 और 37 देश सदस्य हैं और दो क्षेत्रीय संगठन हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, FATF के एम्स या उद्देश्य कार्य क्या क्या हैं? फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF के कार्य कौन कौन से हैं फ्रेंड? कौन कौन से कार्य होते हैं इसके? यह एक अंतर सरकारी स्वतंत्र संगठन है या स्वतंत्र निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के इस्तेमाल को रोकने के लिए नीतियों को विकसित करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? उद्देश्य क्या है इसके? यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के इस्तेमाल को रोकने के लिए नीतियों को विकसित करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF यहाँ पर F होना चाहिए फ्रेंड्स, FATF कर लेना फ्रेंड्स, को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? FATF को एक अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण निकाय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। FATF कितने प्रकार की लिस्ट जारी करता है? FATF कितने प्रकार की लिस्ट जारी करता है? कितने प्रकार की जारी करता है फ्रेंड्स? दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है। कौन कौन सी? ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो प्रकार की लिस्ट जारी करता है। चलिए पढ़ते हैं ब्लैक लिस्ट क्या है फ्रेंड्स। ब्लैक लिस्ट क्या है? जो देश आतंकी फंडिंग, फ्रेंड्स जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट को 2000 किया जा रहा है। ब्लैक लिस्ट फ्रेंड्स क्या है? ब्लैक लिस्ट क्या है फ्रेंड्स? जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और ये लिस्ट कब से जारी की जा रही है? 2000 से जारी की जा रही है। और ब्लैक लिस्टेड कंट्रियां कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? बोलिविया जो ब्लैक लिस्ट की गई है FATF की तरफ से, क्यूबा, घना, म्यांमार, इंडोनेशिया। और भी कंट्रियां हैं जैसे इथोपिया, फ्रेंड्स इनको याद रखें, बोलिविया, क्यूबा, घना, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये ब्लैक लिस्टेड कंट्रियां हैं। किसकी तरफ से? FATF की तरफ से। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्रे लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट फ्रेंड्स क्या होती है? जो देश अपने फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते उनको क्या कहते हैं? ग्रे लिस्ट में कहते हैं। जो देश अपने फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते वो ग्रे लिस्ट में शामिल रहते हैं। जैसे वर्तमान में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। वर्तमान में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और इसे वर्ष 2012 में पहली बार लिस्ट में डाला गया था। कब डाला गया था? 2012 में पहली बार इसको ग्रे लिस्ट किया गया था। और फ्रेंड्स इस पे देखते हैं, ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान के पास 3 देशों का समर्थन होना चाहिए। कितने देशों का होना चाहिए? 3 देशों का होना चाहिए। जबकि ग्रे लिस्ट से बचने के लिए 39 में से 12 मतों की जरूरत होती है, 12 मतों की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3 देशों का समर्थन होना चाहिए और ग्रे लिस्ट से बचने के लिए फ्रेंड्स को 39 इसके जो कुल सदस्य देश है उसमें 12 मतों की जरूरत पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स? उसको विश्व बैंक और IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियाई विकास बैंक ADB आदि से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इन संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है उसे। वर्ल्ड बैंक हो गया, IFF हो गया, ADB, एशियाई विकास बैंक आदि से उसको आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और इन संस्थानों से उसे लोन लेने में बहुत परेशानी होती है। और नेक्स्ट नंबर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है। उस देश से कोई भी कंट्री व्यापार करना नहीं चाहती और अर्थव्यवस्था भी उस देश की कमजोर पड़ जाती है। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है या ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी कमी आती है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? उसको जो वर्ल्ड बैंक होती है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक और IFF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक आदि से उसको आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और इन संस्थाओं से उसको लोन लेने में या ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, परेशानी होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी कमी आती है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
आज के हमारे फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से FATF की तरफ से, और क्वेश्चन को रिवाइज करते रहे फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा OIC एंड SCO, इस्लामिक सहयोग संगठन और संघई सहयोग संगठन के बारे में। प्लीज़ फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हों, और लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।